साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 5 का अगला टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल और इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। इस चैप्टर में हमने ये सीखना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे ड्रॉ की जाती हैं। इस चैप्टर के पहले दो टॉपिक हम कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम देख चुके हैं कि एंगल और ट्रायंगल ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज होती हैं, उनको ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम वीडियो में उन सब की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो किस शेप में होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्वाड्रिलेटरल या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस चैप्टर में से हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत भी कहते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो जो आपके सिलेबस में है ये पहले चार टॉपिक हैं। हम ट्रेपिजियम भी पढ़ेंगे जिसको समलम चतुर्भुज कहा जाता है, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में चतुर्भुज भी कहते हैं, इसके नाम में देख सकते हो आप चतुर, चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब होता है भुजाएं, यानी वो आकृति जिसकी चार भुजाएं हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार भुजाओं से गिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इंग्लिश में जो क्वाड्रिलेटरल है, जो क्वाड का मीनिंग है, वो भी चार से ही है। क्वाड का मतलब भी क्या होता है, फोर होता है, और लेटरल मतलब उसकी साइड्स। तो ऐसी आकृति, समतल आकृति जो चार भुजाओं से गिरी हो, जैसे कि आपके सामने एक आकृति दी गई है, ये क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम अगर हम ए बी सी डी दे दें तो ये जो ए बी सी डी है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें चार साइड हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ये एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा एरिया है जो चार साइड से गिरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं, 10। कैसे, चार उसकी साइड, चार साइड कौन सी है हमारी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चार साइड हैं, चार एंगल, एंगल कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों जो कोने हैं वहां पर चार एंगल बनेंगे। दो डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं, विकर्ण। तो जो ए सी है, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। तो कुल मिलाकर हमारे पास टोटल कंपोनेंट कितने हैं, चार उसकी साइड, चार उसके एंगल और दो उसके डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल वी नीड एट लीस्ट 5 कंपोनेंट। जब भी हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करना हो, ड्रॉ करना हो, तो हमें कम से कम इन 10 कंपोनेंट में से 5 कंपोनेंट चाहिए, और उन 5 कंपोनेंट में भी एटलीस्ट हमें दो साइडों के बारे में पता होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जितने ये चार एंगल हमारे क्वाड्रिलेटरल में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, अगर इन चारों का जोड़ करें तो वो कितना आता है, हमेशा 360 डिग्री। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल डी इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनका जो जोड़ हमेशा क्या रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। स्पेशल फीचर के आधार पर क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इसके अगर स्पेशल फीचर की बात करें, भाई इसकी साइड इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं या डायगोनल इक्वल हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके आधार पर क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसी पे सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो जो रेक्टेंगल होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या क्या चीज़ों, क्या क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। जैसे आपके सामने की ये फिगर है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो जो ए बी सी डी है आपके सामने एक रेक्टेंगल है, आयत है। तो पहली जो प्रॉपर्टी कहती है इसके, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी। अपोजिट साइड मतलब जो ए बी है किसके इक्वल होनी चाहिए, सी डी के। तो हमेशा याद रखना है जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, अपोजिट साइड के, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार ए डी और बी सी बराबर होंगे, ए सी बराबर है बी डी, और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, हमेशा पैरेलल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है।
दूसरी प्रॉपर्टी है ईच एंगल इज 90 डिग्री और राइट एंगल, जो प्रत्येक एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। कौन से एंगल हमारे पास, ए एंगल, बी एंगल, सी और एंगल डी। तो जो ये एंगल है ये हमेशा क्या होना चाहिए हमारे, 90 डिग्री, किसमें, एक रेक्टेंगल में। तो ये 90 डिग्री कंपलसरी है एक रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स मतलब जो इसके विकर्ण है, अगर हम ए को सी से मिला दें और डी को बी से मिला दें तो ये हमारे जो दो प्राप्त होती हैं लाइन, इनको बोलते हैं डायगोनल। तो ये हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एक रेक्टेंगल के केस में। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो इसके दो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना। तो ये एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट पर, इसको नाम दे देता हूँ मैं ओ। तो बाइसेक्ट का मतलब है जो ओ ए है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ओ सी के। तो ओ सी और ओ ए क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। दूसरा जो ओ डी है किसके बराबर होगा, हमेशा ओ बी के। तो जो ओ बी है और ओ डी है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डायगोनल एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, बट नॉट एट राइट एंगल। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का नहीं बनता, जो ओ के ऊपर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री से कुछ अलग होगा, 90 डिग्री का कोण ये आपस में नहीं बनाते, ठीक है। तो ये थी मेन प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। अगर आपको ड्राइंग फाइल में रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी हो तो हमें क्या क्या चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल वी मस्ट हैव टू एडजेसेंट साइड और वन डायगोनल और वन साइड। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो साइड के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। एडजेसेंट साइड का मतलब ए बी और ए डी या ए बी और बी सी, क्योंकि अगर आपको दो साइडों का ज्ञान होगा, वैल्यू पता होंगी, तो वो दो साइड दूसरी दो साइड के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। या आपको पता हो एक डायगोनल और एक साइड, क्योंकि डायगोनल भी बराबर होते हैं और हमें अगर एक साइड पता लग जाएगी तो उसके सामने वाली साइड की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, और डायगोनल एक दूसरे के बराबर है, तो ऐसे भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्क्वायर कहलाता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जो इसकी चारों साइड हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इसका साइडों का हम नाम दे दें, आपके सामने जो फिगर है ये क्या है, एक स्क्वायर की है। तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, एक स्क्वायर हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है जो इसकी चारों साइडें हैं वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए लिख भी सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू डी ए। तो ये चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब ए बी के अपोजिट कौन सी है, सी डी, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार जो ए डी है इसके सामने जो साइड कौन सी है, बी सी है, तो ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ईच एंगल इज 90 डिग्री और राइट एंगल, जैसे कि रेक्टेंगल में था, जो प्रत्येक एंगल है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ये क्या होने चाहिए, हमेशा 90 डिग्री के होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, स्क्वायर के केस में भी और रेक्टेंगल के केस में भी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो डायगोनल है जो विकर्ण है, यानी ए को अगर मैं सी से मिलाऊं, डी को बी से मिलाऊं, तो हमारे पास जो बी डी और ए सी है ये दोनों क्या है, डायगोनल है, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, समद्विभाजित भी करेंगे। यानी अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ओ, तो जो ओ डी है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ओ बी के, और जो ओ सी है वो किसके बराबर होगा, ए ओ के। ये प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन एक इसमें चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है, रेक्टेंगल के केस में जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को राइट एंगल पर नहीं काटते थे, लेकिन स्क्वायर के केस में ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन किस पे करते हैं, राइट एंगल पे। यानी जो ये एंगल बनता है ये भी कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो एंगल बी ओ सी, जो ये एंगल है कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार एंगल ए ओ डी, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एंगल ए ओ बी, ये भी 90 डिग्री का, और इसके सामने वाला भी 90 डिग्री का। यानी एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन किस एंगल पर, 90 डिग्री का एंगल पर, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर हमें इसको स्क्वायर को बनाना है ड्राइंग फाइल में, तो हमें क्या चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वी मस्ट हैव अ लेंथ ऑफ वन साइड और लेंथ ऑफ द डायगोनल। अगर हमें
एक साइड की वैल्यू पता लग जाए स्क्वायर में तो हम स्क्वायर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक वैल्यू पता होगी, हमें इस एंगल का पता 90 डिग्री होता है और चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो उसको भी हम आसानी से ड्राइंग फाइल में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो जो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फर्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। तो इसको नाम दे दूं मैं इस फिगर में जो आपके सामने दिखाई दे रही है, क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। तो जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपोजिट साइड यानी ए बी किसके इक्वल होगी? सी डी के, और क्या होगी? पैरेलल भी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार जो ए डी है वो किसके बराबर होगी? बी सी के, और दोनों क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी। तो ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ये दोनों जो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, जो इसके डायगनल हैं कौन से? ए सी और बी डी। आप देख रहे हैं ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते पैरेललोग्राम के केस में, क्योंकि जो ए सी है वो हमेशा बी डी से बड़ा होगा अगर डायग्राम इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच एंगल इज ऑलवेज अदर देन 90 डिग्री, और जो ये एंगल हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी ये 90 डिग्री के नहीं हो सकते। अगर ये 90 डिग्री के होते तो ये किसका केस बन जाता? रेक्टेंगल का केस बन जाता। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस है, जो एंगल होंगे वो अदर देन 90 डिग्री बनेंगे तो उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम रेक्टेंगल। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, और जो डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा? ओ सी के, और जो ओ डी है वो किसके बराबर होगा? ओ बी के। तो ये बाइसेक्ट करते हैं। कंजुगेटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो कंजुगेटिव एंगल का मतलब है जो सात सात वाले एंगल हैं वो हमेशा उनका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। यानी अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल बी और सी, ये दोनों भी क्या कंजुगेटिव, इनका जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार एंगल सी और डी का जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री। या आप ए और डी को जोड़ोगे तो इनका एंगल भी क्या होगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए और सी के हैं दो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पैरेललोग्राम के केस में ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की। तो टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम वी नीड टू एडजेसेंट साइड एंड एंगल बिटवीन देम, और वन साइड और टू एडजेसेंट साइड। यानी अगर आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है ड्राइंग फाइल में, तो आपको कम से कम दो जो एडजेसेंट साइड है ए बी, जैसे ए डी या ए बी या बी सी, तो जो सात सात वाली दो साइडें हैं यानी एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड, दोनों का आपको पता होना चाहिए, और उनके बीच में एंगल कितना है ये भी जरूरी है। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो आप आसानी से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस, यानी जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी अगर चारों साइड बराबर हैं और अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। तो एक डायग्राम में नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, अपोजिट साइड मतलब ए बी और सी डी, इसी प्रकार ए डी और बी सी, जो चारों साइड हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है डी ए, और जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अपोजिट साइड मतलब ए बी किसके पैरेलल होगी? सी डी के। इसी प्रकार जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगी? ए डी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ईच एंगल इज ऑलवेज अदर देन 90 डिग्री, और जो ये एंगल बनाता है यहाँ पर ए एंगल बी एंगल सी और डी, तो ये जो चारों एंगल हैं ये एंगल अदर देन 90 डिग्री होंगे, ये कोण कभी भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते। अगर ये 90 डिग्री के हो जाएंगे तो किसका केस बन जाएगा? स्क्वायर का केस बन जाएगा। स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ ए रोम्बस, यानी जो स्क्वायर है वो रोम्बस का एक स्पेशल केस होता है। यानी सभी रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो, क्योंकि अगर रोम्बस में जो एंगल है ये हमेशा क्या होता है? अदर देन 90 डिग्री, लेकिन जैसे ये 90 डिग्री का हो जाएगा वो
उसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो इसीलिए स्क्वायर क्या है, स्पेशल केस है रोम्बस का। जिस प्रकार एक रेक्टेंगल किसका स्पेशल केस था, पैरेललोग्राम का, अगर पैरेललोग्राम का एंगल हम 90 डिग्री कर देते तो वो बन जाता है रेक्टेंगल, उसी प्रकार स्क्वायर भी एक स्पेशल केस है रोम्बस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जो डायगोनल होंगे यानी AC और BD ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे रोम्बस के केस में। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हाँ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे, यानी जो OD है वो किसके बराबर होगा, OB के। इसी प्रकार जो OA है वो किसके बराबर होगा, OC के। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस एंगल पर, 90 डिग्री के। जो ये कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ये चारों कोण 90 डिग्री के बनेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री कॉन्जुगेटिव एंगल, यानी एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी प्रकार अगर बी और सी की बात करें तो इनका जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री, या सी और डी का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार डी और ए का कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोई भी दो कंजुगेटिव एंगलों का जोड़ करके देखेंगे हम रोम्बस के केस में तो वो हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, यानी उनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, और इनके जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल ए के अपोजिट कौन है, एंगल सी, तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल बी का अपोजिट कौन है, डी, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस वी नीड टू डायगोनल और वन साइड और एडजेसेंट एंगल और वन एंगल और वन अपोजिट एंगल, यानी इनमें से अगर हमें कोई भी वैल्यू पता है तो हम एक रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको दो डायगोनल पता है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एक साइड और उसके बीच के एडजेसेंट एंगल पता है आपको तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो ड्राइंग फाइल में। नेक्स्ट है सिलेबस में हमारे ये मेन चार थे, लेकिन हम ट्रेपेजियम भी देख लेते हैं, समलम चतुर्भुज ये भी देख लेते हैं क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव, क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी अगर है तो उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। क्या क्या, ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो एक पेयर यानी दोनों जो पेयर हैं वो पैरेलल नहीं होते, केवल एक पेयर होता है। कैसे, अगर इसको मैं नाम दूं ए बी सी डी, तो जो ए बी है और सी डी है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो एक पेयर है जो साइडों का, वो कोई भी एक पेयर वो पैरेलल हो सकता है। डायगोनल आर नॉट इक्वल, जो इसके डायगोनल हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, यानी ए सी कभी भी बी डी के इक्वल नहीं होगा। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, और ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित भी नहीं करते, काटते इंटरसेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओडी कभी भी ओबी के बराबर नहीं होगा, ओसी कभी भी ओ के बराबर नहीं होगा। समटाइम्स नॉन पैरेलल साइड्स में भी इक्वल, और जो नॉन पैरेलल साइड है यानी एडी और बीसी ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। तो ये थे हमारे 5 तरह के डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल। अब आइए चलते हैं कि ड्राइंग फाइल में इनको कैसे ड्रॉ करना वो देखते हैं, जो आपको ड्राइंग फाइल में बनाकर अपने टीचर को दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को ये अपरेटस दिखाई दे रहे होंगे जिनकी जरूरत आपको क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं, हर बार की तरह सबसे पहले हमने पेज का सेटअप तैयार करना है। उसके लिए आप आउटलाइन लगाओगे 1 सेंटीमीटर की चारों तरफ, फिर 8 से 10 mm की एक लाइन खींचकर यहाँ पर मेन हेडिंग लिखोगे क्वाड्रिलेटरल, फिर पूरे पेज को 2 बराबर भागों में बांट लोगे, नीचे 6 से 8 mm की एक लाइन खींचोगे, उसमें हम जो भी यहाँ पर ड्रा करेंगे उसका नाम लिखेंगे। ये चीज़ मैंने टाइम बचाने के लिए पहले कर ली है, तो आपको सबसे पहले पेज को ऐसे तैयार करना है। मैं ड्राइंग करने के लिए कलर का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे कि मैं कैसे और क्या ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपनी ड्राइंग फाइल में पेंसिल का प्रयोग करना है, कलर का प्रयोग नहीं करना है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, एक आयत बनाओ जिसकी भुजाओं का माप 60 मिलीमीटर व 40 मिलीमीटर है। तो आपको पता है एक आयत बनाने के लिए, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कम से कम दो साइडों का पता जरूर होना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम एक साइड ड्रॉ करेंगे 60 mm की या 40 mm की। तो हम 60 mm की ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी 60 mm की, और इसका नाम दे देंगे ए बी। इसके बाद आपको पता है जो रेक्टेंगल होती है यानी आयत होता है उसके जो सभी कोण हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री की। तो ए और बी पर भी कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री के दो एंगल बना देंगे।
अब हमें करना क्या है, जो थर्ड साइड है ए बी हमें पता लग चुकी है, तो जो 60 mm की यहाँ पर लिख भी देंगे, तो जो ये इधर वाली साइड होगी यानी इसकी चौड़ाई वो कितनी होगी 40 mm, तो हम प्रकार को 40 mm खोल लेंगे। और दोनों बिंदुओं से ए और बी से एक चाप लगा देंगे जो हमारे 90 डिग्री एंगल वाली लाइन को किसी एक पॉइंट पर काटेगी। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गए हैं, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे और इनका नाम दे देंगे यहाँ पर सी और डी। तो हमारे सामने एक आयत यानी कि रेक्टेंगल बन चुकी है ए बी सी डी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 60 mm और जो चौड़ाई है वो कितनी है, विड्थ है 40 mm। तो आप यहाँ पर ये लिख भी दोगे, इनकी प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हो रेक्टेंगल की, इसकी आमने सामने की साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर है सी डी, ए डी बराबर है बी सी, और ये क्या होती हैं पैरेलल भी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, जो चारों एंगल हैं ये क्या होंगे 90 डिग्री के। तो इस प्रकार से हमारी ये रेक्टेंगल तैयार हो चुकी है, आपने ये ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की रचना करो जिसकी भुजाओं की लंबाई 70 mm हो। तो आप सभी को पता है जो वर्ग है या स्क्वायर है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी दी है 70 mm। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 70 mm की एक लाइन लगाएंगे बिल्कुल सीधी, इसका नाम दे लेंगे ए और बी, कितनी है ये 70 mm की। इसके बाद जो इसके एंगल होते हैं ए बी सी और डी, ये क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो डी की मदद से हम इन दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री के दो एंगल बनाएंगे। एक लाइन लगाएंगे इन पॉइंट से, इसके बाद हम प्रकार खोलेंगे 70 mm, क्योंकि हमें पता है चारों साइडें बराबर होती हैं। फिर ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हम एक आर्क लगा देंगे जो उस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी, तो हमें दो पॉइंट और मिल जाएंगे, इनको हम स्केल की मदद से मिला देंगे, इसका नाम हो जाएगा सी और इसका डी। तो हमारे सामने एक स्क्वायर बन चुका है जिसका नाम है ए बी सी डी, तो जो चारों साइड है वो कितनी है 70 mm की। तो आप यहाँ पर लिख भी दोगे, आप यहाँ पर एक डायमेंशन लाइन भी बना सकते हो ताकि आपका डायग्राम अच्छा लगे। यहाँ भी बना सकते हो, इस केस में भी बना सकते थे, रेक्टेंगल में भी बना दो डायमेंशन लाइन, डायग्राम अच्छा लगेगा। आपको पता है डायमेंशन लाइन कैसे बनाते हैं, पहले दो एक्सटेंशन लाइन खींची जाती हैं और फिर डायमेंशन लाइन, उसके दोनों साइड क्या बनाते हैं हम एरोहेड ऐसे। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड क्या होती हैं बराबर, तो ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए, सारे एंगल क्या होते हैं बराबर और 90 डिग्री के। तो ये भी लिख देंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर है 90 डिग्री, और यहाँ पर ये ऐसे बना भी देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजाएं 72 mm और 48 mm हों तथा उनके मध्य का कोण क्या है 60 डिग्री हो, 60 डिग्री का हो। तो हमें एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनानी है जिसकी भुजाएं 72 mm और 48 mm, उनका एंगल कितना है दोनों के बीच का 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 70 और दो पॉइंट आगे तक क्या हो जाएगा 72 यानी 72, इसका नाम दे देंगे ए और बी। अब जो ये साइड है ये हमने लिख ली 72, ये जो दूसरी साइड है वो कितनी है 48 mm, लेकिन अब ये कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पर कोण कितना दिया 60 डिग्री का। तो हम सबसे पहले ए पे एक कोण बनाएंगे कितना 60 डिग्री का प्रोटेक्टर की मदद से,
और फिर यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, ये जो कोण है कितना है 60 डिग्री, आप यहाँ लिख भी दोगे। फिर प्रकार को खोलेंगे 48 मिलीमीटर, क्योंकि दूसरी साइड क्या है हमारी 48 मिलीमीटर की। इसके बाद ए और बी पॉइंट से हम चाप लगाएंगे। अब हमें इसके दूसरे पॉइंट भी मिल गए हैं, हम इन दोनों को मिला देंगे। ये नाम हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है, जिसकी एक साइड 72 मिलीमीटर की है। आप यहाँ डायमेंशन लाइन से इसको दिखाओगे, ये साइड जो है 48 mm की है, इसको भी दिखाओगे, पहले एक्सटेंशन लाइन खींचोगे, तो हमारे सामने ये पैरेललोग्राम बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, हमें पता है जो अपोजिट साइड है यानी ए बी और सी डी, ये दोनों बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी, तो लिख दोगे ए बी बराबर है सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी प्रकार ए डी बराबर है बी सी एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। जो एंगल ए है वो कितना है 60 डिग्री का। आपको पता है जो कंजुगेटिव एंगल होते हैं उनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए 60 डिग्री का तो एंगल बी कितना होगा, 180 में से घटा दो 60 यानी 120 डिग्री का। और जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं, अगर ए एंगल 60 डिग्री का तो एंगल सी भी क्या होगा 60 डिग्री का होगा, और एंगल बी अगर 120 डिग्री का है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री का। ये आप लिख दोगे, तो नीचे लिख दोगे इसका पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो ये हमारी समांतर चतुर्भुज बन जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज बनाओ जिसके विकर्ण 60 मिलीमीटर है वह 50 मिलीमीटर दिए गए हों। यानी एक रोम्बस बनाना है जिसके दोनों डायगोनलों की वैल्यू दी गई है 60 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले 60 मिलीमीटर, इसका नाम हमने रख दिया ए और सी, क्योंकि ये डायगोनल है। अब हमें करना क्या है, जो ए सी है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हम जो भी लाइन है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, ये हमने प्रकार खोल लिया, और ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट से एक आर्क लगाई जाती है। तो हमने एक ऊपर लगा दी और एक आर्क नीचे लगा दी। इसी प्रकार पॉइंट ए से लगाएंगे, जो पहले वाली आर्क को किसी बिंदु पर काटेगी, तो हमारे पास दो पॉइंट मिल जाते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे एक लाइन के द्वारा, तो हमारे पास ये लाइन मिल जाएगी। अब करना क्या है, हमें पता है जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट का मतलब ये जो पोर्शन है, यानी इसको अगर नाम दे दूँ ओ, ओ ए बराबर है ओ सी, इसी प्रकार जो ओ डी ओ बी के बराबर होगा। तो वो बराबर करने के लिए हमें जो 50 मिलीमीटर है उसको दो भागों में बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। 50 का आधा कर देंगे हम 25, तो 25 प्रकार खोलेंगे, और ओ पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, तो हमें ये बी और डी बिंदु मिल जाएगा। इनको हम ए और सी से मिला देंगे, इनके नाम लिख देंगे बी, ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी। तो जो हमारे डायगोनल हैं ए सी वो कितना है 60 मिलीमीटर, और जो डायगोनल है बी और डी वो है 50 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से ये रोम्बस हमारा बन जाएगा। तो ये चार ही हमारे सिलेबस में है, ये हमने सीख लिया कि कैसे ड्रॉ करने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो,
या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।